हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जगरू क्लासेस करियाला। अज आप मैथमैटिक्स प्लस वन क्लास के जोड़े है कुछ जोड़े है चैप्टरस उन्होंने आप लैक्चर जोड़े स्टार्ट कर जा रहे हैं, जिंद सब तो पहला अपने को चैप्टर हैगा रिलेशन एंड फंक्शन, जोड़ा आप पूरा कंप्लीट जोड़ा है करा। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप पढ़ा ये कि रिलेशन अपने को है हमारा की है, वट इज़ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कहना जिस तरह अपने को दो क्वांटिटीज़ हो एक दूसरे नाल रिलेट कर दिया ने, एक दूसरे से डिपेंड कर दिया हो, चाहे अपने को डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। जिमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जिमें अपने को प्राइस ऑफ क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी का प्राइस कितना रहना है वो अपने को कितने डिपेंड करता है, कितनी उसकी सप्लाई हैगी मार्केट के, इन दोनों के रिलेशन हैगा ने, इन दोनों एक क्वांटिटीज़ एक दूसरे से की कर दी है ने डिपेंड कर दी ने। डायरैक्टली जो प्राइस हैगा वा किसी भी चीज़ का वो कि लिंक करता वा किसी भी जी अपने को क्वांटिटी है वो सप्लाई के नाल। सो इस तरह के जो अपने को क्वांटिटीज़ है उन्होंने विचकार वो किसी ना किसी तरीके दे नाल जुड़िया हुई होंदिया ने, जिन्होंने आपने विचकार आप रिलेशन के नाम नाल जानते हैं। मैथमैटिक्स के अपने को जोड़ा है इस तरह के कुछ अपने को फंक्शनस कुछ आप रिलेशन जोड़े है वो आप पढ़ा। अपने को जोड़े दो तरह के अपने को टॉपिक जोड़े है इंट्रोड्यूस होंगे ने, टू टाइप टॉपिक्स जोड़े आप मेन डिटेल के जोड़े आ पढ़ने। फस्ट वन जो अपने को हैगा वो आप पढ़ा ऑर्डर पेयर, एंड सैकंड वन जोड़ा है आप पढ़ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सब तो पहले आप पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन की कहती है कि लैट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सैट, कोई भी अपने को नॉन एम्प्टी दो सैट आप कंसिडर करते हैं ए एंड बी, जिद एक एलीमेंट आप लैना वा वेयर ए इज़ बिलोंगस टू ए सैट, एंड कोई बी एलीमेंट आप लैना जो बी नू बिलोंग करता पाया। तो कहता जिन्ह दोनों का अपने को एक पेयर बनेगा जिन्हों आप उस पेयर नू की कहना है ऑर्डर पेयर, जिदा अपने को फस्ट कंपोनेंट जरा ए होएगा जित जो सैकंड कंपोनेंट वो अपने को होएगा बी होएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लैके आप समझते हैं, लैट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सैट, कोई भी अपने को नॉन एम्प्टी सैट आप ले ले, जिस तरह अपने को वन टू एंड थ्री आप ए ले लिया नॉन एम्प्टी सैट, इसी तरह आप जरा वा बी कंसिडर कर लिया अपने को थ्री फोर एंड फाइव, इन आप जे ऑर्डर पेयर कोई भी आप लें वो अपने को बनता। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लिया टू एंड फाइव, ए अपने को है एक ऑर्डर पेयर है जिद ए अपने को बराबर है अपने को टू दे, एंड बी कि बराबर है अपने को फाइव दे। जोड़ा अपने को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप पढ़िया भी जोड़ा ए आनू बिलोंग करता है ए सैट न, जोड़ा अपने को बी एलीमेंट है वह किनू बिलोंग करेगा बी सैट न। तो उपर आप इस तरह देखिए अपने को जोड़ा टू है वह किनू बिलोंग कर रहा है सैट ए न, जोड़ा अपने को एलीमेंट फाइव है वो बिलोंग कर रहा है बी फाइव। इदा के अपने को मैनी जोड़े है अपने को ऑर्डर पेयर जोड़े है आप कोई भी कंसिडर कर सकते, आप जस्ट एक एग्जाम्पल लैके जोड़ा है एक ऑर्डर पेयर न समझा है। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अपने को दो पॉइंट जोड़े है अपने नोट करने वाले हैं। पहला नोट अपने को है कि जे अपने को टू फाइव आप जोड़ा है ऑर्डर पेयर कंसिडर करते हैं टू फाइव, जिद ए जोड़ा है अपने को टू जोड़ा सैट ए नू बिलोंग कर रहा है, तो जोड़ा अपने को फाइव है वह सैट बी नू बिलोंग कर रहा है। ये अपने को जे आप रिवर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइव इन कॉमा टू ऑर्डर पेयर कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों अपने को डिफरेंट होंगे, बोथ आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होंगे ये भी मैं तुम्हें दस दिना। हाँ जी देखो, ये आप कहा कि जोड़ा अपने को टू एलीमेंट है जोड़ा फस्ट एलीमेंट है वह किनू बिलोंग करता पाया है सैट ए न, जोड़ा अपने को सैकंड एलीमेंट है सैकंड कंपोनेंट है उपर आप लेके आए वह किनू बिलोंग करता पाया है बी अपने को सैट न। पर ज्यों ही आप टू फाइव की जगह आपू फाइव टू लिखते हाँ तो अपने को होंगे है जो अपने को फाइव है जो अपने को फस्ट एलीमेंट है वह हूँ फाइव बन गया है, तो किनू बिलोंग करता पाया है सैट बी न। इस तरह ही जोड़ा अपने को सैकंड एलीमेंट है टू
वो अपने को किनू बिलोंग करता पाया है सैट ए नू। इस करके इस क्वांटिटी के अंदर अपने को दोनों जड़े है डिफरेंट होणगे, दोनों अपना जड़ा है सेम नहीं कंसिडर कर सकते। हाँ जी कहिंदा सैकंड चीज़ अपने को है ऑर्डर पेयर के जिहड़ी चीज़ नोट करने वाली है वह अपने को है ए एंड बी मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होंदा वा कोई चीज़ अपने को वक्री हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं है भी ए तो बी जड़े है वह अपने को वक्ो वक्रे ही होन, अपने को सेम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ए कौमा ए तो बी कौमा बी जड़ा है उन्होंने भी आप ऑर्डर पेयर दे विच जड़ा है कंसिडर कर सकते हाँ। सो ये अपने को दो नोट्स जेडे आप ध्यान दे विच रखने। हाँ जी स्टूडेंट्स नैक्सट अपने को जो टॉपिक है वह है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सैट। सब तो पहला आप जी डेफिनेशन है वो आप समझांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सैट, जे अपने को ए तो बी जड़े है दो नॉन एम्प्टी सैट आप कोई भी कंसिडर करते हैं, दैन सैट ऑफ आल ऑर्डर पेयर जिन्हें भी बनते, अगे आप कल्ले सिंगल ऑर्डर पेयर की गल की सी, हुण आपां जिहड़ी गल कर रहे आल ऑर्डर पेयर जिन्हें भी बन सकते हैं किहड़े सैट ए ते बी दे विचों, तो किस तरह के होणगे ए ब्रैकट ए कौमा बी जिहदे विच ए फस्ट एलीमेंट जिहड़ा सैट ए नूं बिलोंग करेगा ते जिहड़ा अपने कोल बी एलीमेंट है वह सैट बी नूं बिलोंग करेगा। तो जिन्ने उस इस चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इहनूं आपां डिनोट किहदे नाल करदे आ ए क्रॉस बी दे नाल। हाँ जी अपने कोल जिहड़ा हैगा इहनूं आपां सिंबोलिकली इन सिंबल्स के जड़ा वा इदा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ए क्रॉस बी जिद अपने को एलीमेंट्स आने अपने को ऑर्डर पेयर वाले जिन्हें है सारे अपने को ऑर्डर पेयर आने जिन्होंने आप कौमा बी के नाल दर्शाने जिद अपने को ए किनू बिलोंग करता होएगा सैट ए नू ते बी किनू बिलोंग करता होएगा सैट बी नू। हाँ जी यदि आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं उत्तों आपां जिहड़ा एक वधिया तरीके नाल समझ लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक नॉन एम्प्टी सैट आपां की ले लिया वन टू जिहदे विच आपां दो एलीमेंट लाए, इस तरह ही आपां बी जिहड़ा है नॉन एम्प्टी एक सैट होर कंसिडर किया जिहदे विच एलीमेंट आपां की लिया थ्री एंड फोर। जदों आपां इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट करांगे अपने को इन्हां दे ऑर्डर पेयर दे आल जिन्हें भी है ऑर्डर पेयर जिन्हें भी वो सारे आ जाएंगे किवें अपने को करना। हाँ जी देखो हाँ जी ए क्रॉस बी फस्ट एलीमेंट वन अपने को बी का एलीमेंट अपने को नैक्सट थ्री फस्ट ऑर्डर पेयर जोड़ा अपने को बनेगा, सैकंड अपने को वन नैक्सट एलीमेंट बी दे वन फोर, उस तो बाद बी एलीमेंट खत्म हो गए अपना जोड़ा ए का नैक्सट एलीमेंट जोड़ा सैकेंड आनू कंसिडर कर लेना है तो उन्होंने भी इस तरह बी के कले कले एलीमेंट्स के नाल ऑर्डर पेयर कंसिडर करना, जिमें टू नू आपां थ्री दे नाल एक ऑर्डर पेयर बनेगा, इस तरह टू का अपने को फोर दे नाल ऑर्डर पेयर जिहड़ा है अपने को बनेगा। हाँ जी ये अपने को जिन्हें भी है ये सारे अपने को ऑर्डर पेयर जिन्हें अपने को सैट ए ते बी दे बन सकते सी उन्होंने सैट नू जिहड़ा है अपने को एक सैट जिहड़ा है ए क्रॉस बी जिन्हों आपां कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू जिहड़ा वा हासिल करते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने को दो थिंग्स जड़िया है आप याद रखनिया ने, पहली की है अपने को भी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये अपने को होगा आर डिफरेंट सैट हो जिनी देर तक इफ ए क्रॉस नॉट इज इक्वल टू बी, जिनी देर तक ए तो बी अपने को वक्रे ने उन्नी देर तक ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए भी अपने को डिफरेंट ही रहनगे। सैकंड अपने को जी कंडीशन आपन हेठ रखनी है वह अपने को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाइव, उदों ही अपने को जरा एक एम्प्टी सैट होएगी कदों होएगी वैन वन और बोथ ऑफ ए बी आर एम्प्टी, जिनी देर तक अपने को इन दे विचों ए जां दोनों बी ए तो बी एम्प्टी नहीं हो जाते उन्नी देर तक इन्हें एम्प्टी जड़ा वा
नहीं होना। अपने को एम टी सिर्फ उदों ही होएगी जो अपने को एक इन्हों चाहे ए अपने को एम टी बन जाए चाहे बी तो चाहे अपने को है ए तो बी दोनों सैट जोड़े है एम टी बन जाते। हाँ जी ये कार्टीन प्रोडक्ट के दो चीज़ा तुम्हें ध्यान दे रखनिया ने। हाँ जी स्टूडेंट्स अज वाले लैक्चर के आप जोड़ा है दो टॉपिक जोड़े है अपने आप कवर किए हैं एक अपने को ऑर्डर पेयर एंड सैकंड वन अपने को कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सैट जोड़ा अपना कल नैक्सट टॉपिक रहेगा वो अपने को एप्लीकेशन पार्ट रहेगा। यह टॉपिक जोड़ा है अपने को रिलेशन फंक्शन ये आप जोड़ा है पूरा जोड़ा है तो लैक्चर के चंगे तरीके आप कवरअप करा सैट जोड़ा है साढ़े को ऑफलाइन जोड़े बच्चों के ग्रुप चल रहे हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिया ग्रुप साढ़े को नवे स्टार्ट हुए हैं इस करके तुम तो वो इस वीडियो में शेयर करो जो बच्चे साढ़े को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो साढ़े को इंस्टीट्यूट है घरियाले वे तो ज्वाइन कर सकते जो इस वीडियो में वो तो लाइक तो शेयर करो तो कि होर भी जो स्टूडेंट्स है जोड़े वो नाल अपने जोड़ा है अपना सिलेबस जोड़ा है कवरअप कर सकन इन्ह लैक्चरस का वो तो फायदा उठा सकन। धन्यवाद।